거. 아
Invincible. बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था, बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स थे एंड द डिजर्विंग पीपल लुक लाइक दे हैव वन एंड लाइक आई सेड इन अ सिनेरियो लाइक दिस एवरीबॉडी इज अ विनर बिकॉज सबने बहुत अच्छा एफर्ट किया. इनका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है रेखा जी का, मिस एंड मिसेस टियारा इंडिया जो इन्होंने किया, एक कॉन्सेप्ट किया, थर्ड ईयर है इनका, बहुत ही सक्सेसफुल इनका ये है कॉन्टेस्ट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट. एंड यहाँ से जो लड़कियाँ जीतती हैं हमने देखा है कि उनको काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है nationally, internationally. So I think it's a great thing for and I would like to encourage her to like continue with this great work that she's doing to you see that there's you know good talent that is coming out to the fore. Do you think this initiative was taken by ma'am or jaise wo women empower ki baat kar rahi hai नहीं, बिल्कुल सही है कि जब हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है और हम किसी सोशल कॉज से जुड़ते हैं तो इसका जो रीच है वो ज़्यादा हो जाता है, इसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है. और अगर हम कर सकते हैं ऐसा तो करना चाहिए बिकॉज इफ़ यू कैन बेनिफिट विथ योर विथ वॉट एवर पब्लिसिटी और माइलेज दैट यू गेट डूइंग द इवेंट्स दैट यू डू, आई थिंक वन शुड मैक्सिमाइज इट एंड हेल्प एज मेनी पीपल एज यू कैन एंड एनी गुड कॉज दैट दे टेक इज वेरी गुड. लाइक सेव द गर्ल चाइल्ड is the cause that they have taken up, which is a wonderful cause, and whatever they do in that direction will be great. Yes, I do. I was in HR college and I had to walk for one of the annual events, so it was great. Yes. I guess so. I mean to say they would have done the selection process and seen who is apt for that role. तो जो भी उस रोल के हिसाब से कैरेक्टर के हिसाब से जो फिट होता है, आई थिंक मैंने भी पहली बार उसके अभी देखा है तो आई थिंक शी लुक्स गुड. आई थिंक दे एंड अप लुकिंग लाइक अ गुड पेयर एंड लाइक आई सेड जो सिलेक्शन जो होता है वो पैरामीटर्स ऑफ स्क्रिप्ट में क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, तो आई थिंक शी इज एप्ट फॉर दैट रोल. थैंक यू. एक मिनट सर, तो मेरा सपना था कि उमान कि मुझे कुछ करना है और फिर मैं बातें पॉलिटिक्स में आ गई. फिर अपने हमारे पीएम जी ने जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो नारा दिया है तो हमने सोचा इसे लेके हम कुछ आगे करें. ऐसे बहुत सारे किस्से हम देख रहे हैं सोसाइटी में, किसी वजह से हमने मिशन चेयर आप बोलो. सी बेसिकली इट्स ईयर बाय ईयर वी आर गोइंग अ बिट हायर
we are choosing girls from different state. Initially it was only, when first year we launched, it was only Maharashtra. Now we are going to all the states in India. We have almost like 10 to 15 states right now this year. So we are going to have a notch higher next year as well. This year obviously Arbaaz Khan ji, and he made it wait for us. Thanks to him. And yes, it is very difficult every year because we are getting new and our pageant has a new tendency. All the girls on the stage are freshers. They don't have any ramp experience. They don't have in front of camera experience. So all the girls that you see today are freshers. Even the misses are freshers. So means Hrushikesh Mirajkar have trained them, groomed them, choreography unki hi thi, music bhi, synchronization and everything was done by Hrushikesh Mirajkar, and basically it's his idea. Yes, definitely. मुझे और एक बात कहनी है, इसमें जो आपने फर्स्ट पांच में थ्री में देखा मिस मिताली सुनाव ने इज एसिड विक्टिम गर्ल, तो ऐसे बच्चियों को भी हमें आगे लाना है क्योंकि मैं मेरे डायस पे तो उन्हें ले आई हूँ इंडिया लेवल तक, आगे इंटरनेशनल में क्या होगा कैसे होगा आई डोंट नो. हाँ, तो उसे हम और आप मिल के ऐसे बच्चियों को हमें आगे ले जाना है. जैसे सारी खूबसूरती फेस के लिए खूबसूरती ज़रूरी है, लेकिन उनके अंदर जो टैलेंट है तो, और उनके मम्मी पापा के पास फाइनेंस नहीं होता है या उनको ये डायस मालूम नहीं होता, तो उनको भी हम ऐसे बच्चों को लेके आगे जा रहे हैं. और ये स्पेशल मेमोरी मेकर्स और मिस एंड मिसेस टियारा इंडिया ही करते हैं. थैंक यू सो मच.